मैं मोहित को कम से कम 4-5 साल से जानता हूँ जी, एडवोकेट साहिल राणा जी की। मेरी वाइफ का इस तरीके से जो घर, तो उसका जो साला है, उसके साले ने जी जो 14-15 साल की लड़की वो लेके भाग गया था, उसके केस के मारे में भी जी कम से कम 2-3 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा था और मुझे हर बार कोर्ट में मिलता था। वही वीडियो इतनी वायरल हो रही है, मामला चल रहा मोहित और रजनी वाला, जिसमें जो है वीडियो बनाकर और सारे के सारे बयान रिकॉर्ड करके मोहित जावे है। और यू आज का सब जो है दुखदाई मामला है, क्योंकि घर में कोई भी कमाण वाला नहीं बच रहा, आखिरी उम्मीद था घर की वो, और वो भी जो है घर का कलेश की भेंट चढ़ गया। मोहित के दोस्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि घर वालों का कहना है कि 10-10 दिन मोहित जो है घर नहीं आता था और बाहर रहता था। तो दोस्तों से जाने भाई, क्योंकि देखो जिसके पास सारा दिन रहा बंदा तो जरूर समस्या शेयर करे। इनसे जाने कैसा व्यवहार था और क्यों ये सिचुएशन आई कि आज जो है घर के दो चिराग थे दोनों ही बुझ गए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मोहित को कितना जानते हो आप? जी मैं को कम से कम 4-5 साल से जानता हूँ जी। जो हमारा साथी मोहित एक पढ़ा लिखा होने के साथ साथ एक समझदार व्यक्ति भी था जी, क्योंकि जी वो जो आदमी पढ़ाई के साथ समाज में भी घूमता था। हमारी जी संस्था थी गाँव गढ़ी हकीकत से हूँ जी मैं एडवोकेट साहिल राणा जी, सोनीपत कोर्ट में जी प्रैक्टिस भी करता हूँ। हमारा जो संगठन है जी, उसमें जी हम जितने भी संत महात्मा भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविदास जी, सभी की जयंती इकट्ठे हो गए मिलके मनाते हैं। एक बात पूछूंगी, समझदार होना बढ़िया बात है घटिया बात है? जी देखो जी, समझदार होना तो बढ़िया बात है, पर लेकिन जो ये यहाँ पे आज घटना घटी है जी, हम मेरे साथी ने जी कम से कम 2 साल से तो मुझे भी बताया था इस घटना के बारे में कि मेरी वाइफ का इस तरीके से घर में छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। पर लेकिन जी वो कहते जी हमारा वैसे तो वकालत एक प्रोफेशनल है जी, पर लेकिन मैंने हमें बता रहे थे एक प्रोफेशनल है जी हमारा वकालत, पर लेकिन जी क्या है कि हम किसी को जी गलत सलाह नहीं देते। मैंने सोचा कि मेरा दोस्त है, घर बस जाएगा। मैंने उसको यही कहा, मोहित छोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती है, और कोई दिक्कत नहीं, अगर कभी आपको दिक्कत आए तो तेरा भाई है रात के 12 बजे फोन मारेगा तो तेरे को सही सलाह दूंगा। तो जी मोहित नोला भाई, मैं काफी स्ट्रेस में रहता हूँ जी, और वो डिप्रेशन में रहने लगा था जी, क्योंकि जो उसका जो साला है, उसके साले ने जी जो 14-15 साल की लड़की को लेके भाग गया था, उसके केस के मारे में भी जी कम से कम 2-3 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा था और मुझे हर बार कोर्ट में मिलता था। अब भाई मैं अपने साले से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी वाइफ भी परेशान रहती है, और मेरे साले की कैसे बेल होगी कैसे नहीं होगी जी, मुझे सलाह लेता था। पर कुछ समय के बाद उसने अपने बारे में बताया जी, मुझे बहुत दुख लगा और मैं बार बार समझाया मोहित भाई कोई गलत कदम मत उठाना। तो जी मतलब तो आपको बोलता भाई मेरे ऐसा जी कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है, इस तरह बातें बोलता उसने था। मुझे ये कहता था कि मैं साहिल बहुत परेशान हूँ, मैं उसे सलाह देता था, वो कहता था साहिल भाई जिस पे बीतती है ना उसी को पता चलता है। तो उसने जी वो कहा तो जी मुझे बड़ा दुख होता था, पर क्या करे जी, हम तो एक दोस्त के नाते समझा ही सकते है जी। आज बहुत ही जो हमारी आंटी इतनी परेशान है, और मैं तो यही बात कहता हूँ जी, आप पत्रकारों का जो इसकी आवाज उठा रहे हो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहता हूँ इस परिवार से, ये मेरा परिवार है जी, इस मोहित मेरे अपने दोस्त को जी न्याय दिलाने के लिए अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से वादा करता हूँ एक माँ के सामने कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा जी अपने दोस्त का केस। अच्छा, मैं इस परिवार को न्याय दिला के मानूंगा जी। बड़ी बात पूछना चाहते हैं, वीडियो बना रखी है, सुसाइड नोट लिख रखी है, उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जी? देखो पर्चा देने के बाद में कई बार पुलिस वाले होते हैं वो कार्रवाई कर नहीं पाते है। हमारे देश का जो कानून है जी वो थोड़ा बहुत लचीला भी कहा जाता है। तो जी हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, कई बार आईओ ये देखता है कि कहीं ये जो सुसाइड नोट है ऐसी घटना भाई उसके ऊपर इतना क्रिएट ना कर दे, तो जी उसके परिवार वालों को इन्वेस्टिगेशन के बाद में भी अरेस्ट करते है जी। पर लेकिन मेरी यही मांग है इस परिवार से भी जी, और आपसे भी, इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठा जाए। और मैं तो आज यहाँ पे आने का मेरा यही है कि आंटी और इस परिवार से मिलके एक हमारे जो सीपीएजी कमिश्नर उनके पास में भी एक एप्लीकेशन लगाई जाए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त और कार्रवाई की जाए और न्याय किया जाए। तो देख सको भाई जिस पर बीता हो जाना, यह बात जो है वकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। यार जो कह रहा है जो इस दुख तक जी रहा है ना उसको ही पता भाई तेरी लाइफ कैसे चल रही है, और यही कारण है कि सारे आसपास होते हुए भी इतनी जिम्मेदारी होते हुए उसको वो जो है ये स्टेप उठाना पड़ा। बाकी हम कड़ी निंदा करते हैं इस प्रकार के स्टेप की, क्योंकि
आत्महत्या कोई समाधान नहीं है वकील साहब जी। देखो ये मैं आपकी बात से एग्री हूँ, पर लेकिन जी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना जी, तो इंसान को यही रास्ता नजर आता है। हम जी सलाह तो दे सकते हैं किसी को जब हमारे ऊपर बीतती है जी, जब हमें पता चलता है जी, पर लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि न्याय होना चाहिए जी। और आज का ये जो संदेश है जी इस घटना को लेकर लेकर समाज ने भी ये संदेश लेना चाहिए कि बहन बेटी किसी के साथ में भी ये जो कहानी घट रही है इस कानून का जी मिस यूज ना करे। एक बड़ी बात और है भाई, देखो सिर्फ न्यू ना लाइयो आप बहू बहू इतनी दुख करे, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी है। तो ये बाण इनते भी मेरी खास रिक्वेस्ट है भाई, देखो घर बसाना है तो न्योना पड़ेगा, कई बार बिना गलती भी माफी मांगनी पड़े है सर जी। वो कहते हैं जी जो इंसान झुकता है वही कुछ ना कुछ लेकर उठता है जी। अगर घर बसाने में अगर कई बार हम झुक जाते तो उससे जी हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते है जी। मेरा तो यही मानना है जी, हमारे माँ बाप हमारे जो पहले हिताई होती थी जी, ये इनके साथ में भी झगड़ा होता था, क्या इन्होंने तलाक लिया, क्या इन्होंने अपने पति ऊपर ऐसा दबाव बनाया जिससे उन्होंने सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। नहीं जी, जो पहले की संस्कृति जो हमारी सभ्यता थी जी उसको लोग भूलते जा रहे हैं जी, और इसका हमें बड़ा ही दुख है जी भाई। देख सो, और ये चाची ताई जितनी इनते भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई, देखो आपने बेटी की शादी कर दी, बेटी ने घना है टॉर्चर करा है, तो और बहुत सारे रास्ते हैं, पंचायत है, दनु तरफ की बात सुनी जाए वहां हल निकला है, कानून है, लेकिन इस तरह आप खुद जाकर ना किसी घर में इंटरफेयर करो या फिर चप्पल उठाओ जूते उठाओ और बेटी को कुछ गलत बात सिखाओ, तो ये जो है ये घर बसाने वाली निशानियां नहीं है। थोड़ा बेटी को अपने आप स्टैंड लेने दो, उसको खुद के डिसीजन लेने दो, आप उनका रिमोट कंट्रोल मत बनो। तो सोचो कुछ घर के घर बर्बाद होने लग रहे हैं, जो शांति है सुख है चैन है वो चिंता जान लग रहा है। अब इस घर था आप देख सको, बड़ा था वो चला गया उसके पास, अब जो बड़ा वाला लड़का उसके माँ बाप नहीं है, ये छोटा है ये चला गया, इसके अपने माँ बाप नहीं है क्योंकि माँ जो है वैसे नहीं, क्योंकि जब भी स्त्री संकट ना हो जाए तो आदमी जो है एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करें भी कड़ी तकड़ी जो है कार्रवाई हो, सजा मिले। आपकी केयर आया है, आपने केला गया इस पूरा मामला में, क्योंकि इतना हाईलाइट हो रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद जय हिंद।